नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल आपके प्रिय चैनल हासी की आवाज़ से फिर मुखातिब हूँ आपसे। मुखातिब हूँ मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने 25 साल तक इनेलो पार्टी में रहकर काम किया है और लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे। सन 2002 में इन्होंने चुनाव लड़ा हासी हल्के से इनेलो पार्टी से। 2000 में इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ा, विधायक बने, मंत्री बने, उसके बाद लगातार इनेलो पार्टी में बने आ रहे थे। हाल ही में परसों ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, राष्ट्रीय पार्टी, जिन्होंने देश पर 60 साल तक राज किया। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह रही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करने की और आपको कांग्रेस पार्टी में कितना मान सम्मान दिया है निर्णय के बाद। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। पॉलिटिक्स इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, राजनीति सुविधा की शादी होती है। राजनीति में दल बदलना कोई बुरी बात नहीं है, नीतियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं दलों की और पार्टियों की। जिन नीतियों में व्यक्तिगत रूप से कोई विश्वास रखता है तो वो अपना हृदय परिवर्तन भी कर लेता है। तो गोयल साहब ने, सुभाष गोयल जी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप फोकस कीजिए, आप एक ट्रांसपोर्टर, पेट्रोलियम का व्यवसाय करते हैं, पेट्रोल पंप भी है आपके, और एक सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से आपका संबंध है, कई शैक्षणिक संस्थाएं आपके रहनुमाई में चल रही हैं और सामाजिक सरोकार के आदमी हांसी हल्के के आप बिलोंग करते हैं। साथ ही है ढंडेरी गांव जो आपका पैतृक गाँव है, आप ट्रांसपोर्टर रहे आपके पिता, और उसी व्यवसाय से बनकर आप एक सामाजिक सरोकार के व्यक्तित्व बने, राजनीतिज्ञ बने और हाल ही में 25 साल पुरानी पार्टी को छोड़कर एक राष्ट्रीय पार्टी जिसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी में आपने ज्वाइन किया है। आइए इनसे बेवाक बातचीत करते हैं, कुछ तीखे और कुछ मीठे प्रश्न भी इनसे पूछते हैं। और साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हाथ से क्या बात। नमस्कार। आपने अपनी 25 साल पुरानी इनेलो पार्टी, सीधे सीधे प्रश्न करते हैं आपसे, जिसमें आपने बहुत काम किया, मंत्री भी रहे, लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे और उस पार्टी को छोड़ा है और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक दिन पुरानी कांग्रेस पार्टी में आप 1995 में मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, उससे पहले 1975 या 76 जी में मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और 95 में मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था रखते हुए मैंने ज्वाइन की। 2000 में जैसा आपने बतलाया मैंने पहला चुनाव लड़ा और चुनाव में विजय श्री प्राप्त करके ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया। 2005 फरवरी तक मैं मंत्री पद पर रहा, उसके पश्चात पार्टी के साथ ही जुड़ा रहा मैं। विभिन्न जैसे व्यापार प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा उस दौरान में, और अब 15 सितंबर को मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया। इसके पीछे आप ने बताया, पहले हमने आपको इंटरव्यू दिया था उसमें आपने सारी बातें बताई, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे 75 का आंकड़ा लेके चल रही है और अब कांग्रेस में के रंग में आप रंग गए हैं, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साही और कॉन्फिडेंस जिसे हम कहें, वो हम तो नहीं कहते कि, लेकिन आप लोग आरोप लगाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर चल रही है, 75 का आंकड़ा पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम करवाया है क्या प्रदेश में? अतीत में आपने देखा है आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी और अडवाणी जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था उस वक्त चुनाव और कितनी सीटों को सिमट गई थी। आज भी पोजीशन वही है, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी के जिस प्रकार से उन्होंने धारा 370 का किया, उसका लाभ लेकर धारा 370 देश के लिए, हमारे हुड्डा साहब ने भी उस बात की तारीफ की है
और वो देश के हित में सोचकर की है, लेकिन इतनी कहीं भी पोजीशन नहीं है कि ये लोग आज उसमें वो 75 या कितनी ले जाएंगे, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। मैं समाज बड़ा कुशाग बुद्धि का होता है, ऐसे ही पार्टी ने नहीं किया। आपको लगता है कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर देगी या नहीं देगी? कल हमारी हिसार में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, जिसकी सदारत पूर्व मंत्री श्रीमती सावित्री जिंदल कर रही थी, और दो तीन विधायक, पूर्व विधायक और मंत्री उसमें शिरकत कर रहे थे। जो उन्होंने इस बात को इंगित किया है कि जो आपने जो अभी कहा कि व्यवसायी बंधु जो आते हैं उनको तो बहुत सोच कर आते हैं, और अब ये जुड़ने लगे हैं पंजाबी बिरादरी के लोग। हम 5 आदमी उस दिन जुड़े हैं और नेशनल लेवल पर हमारी ज्वाइनिंग हुई है। उस बात के दृष्टिगत लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, और हुड्डा साहब और बहन शैलजा जी सारे प्रदेश का राउंड ले रही है। 19 तारीख को हिसार में भी हमारी दोनों की मीटिंग है बहुत बड़ी, फरीदाबाद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, इस ढंग से चल रही है। हर एक जिला हेडक्वार्टर पर लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं की बूस्ट कर रही हैं, और ये देखना एकदम पहले तो चुनाव की घोषणा होने दो, और तदउपरांत फिर इनका राउंड होने के बाद कांग्रेस की हवा चरम सीमा पर। सीधी बात करते हैं, जब कोई बड़ा राजनेता पार्टी ज्वाइन करता है, आप जैसा पूर्व मंत्री रहे हैं, आपका मंत्र है, तो कोई यानी कि डील भी होती है, कोई उनके बीच में टिकट की कमिटमेंट भी होती है, तो ऐसी कोई कमिटमेंट हुई? आप 5 राजनेता एक मन से इंडक्ट करके गए। मैं चौटाला साहब के साथ मिला था, तब भी हमारी कोई इस प्रकार की कोई डील नहीं हुई थी, और आज के दिन भी हमारी कांग्रेस पार्टी से इस प्रकार की कोई डील नहीं हुई। वो तो अपने आप वक्त बतलाएगा, और काम को देखकर और पिछला स्टेटस को देखकर अपने आप ही काम होगा। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने आशावान हैं कि भी आप सी हल्के से कांग्रेस के टिकट पर? उम्मीद पर दुनिया कायम है। नहीं, आप उम्मीद पर तो है, लेकिन आपको लगने का? मुझे उम्मीद है कि टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, और आप पूरे जोश व खरोश से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। आपकी फॉलोइंग वैसे भी वैसे बरकरार है, कितने कार्यकर्ता आपके साथ पार्टी में शामिल? फॉलोइंग तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन लोग भी जुड़ेंगे जो मेरे साथी हैं, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, अब तक सहयोग दिया है, मेरा उनका साथ रहा है, वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और जुड़कर तो हमारी मेजोरिटी आएगी। मुख्यमंत्री कहते हैं हरियाणा एक हरियाणा है, मैंने सारा प्रदेश में समाज विकास कराया, यहाँ पर विपक्ष का विधायक रहा, और हाँसी के बदले से आप ना वाकिफ नहीं, हाँसी की जो दुर्दशा है इसका कारण बीजेपी को मानते हैं या स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के लिए? इसमें दोनों का ही है। भारतीय जनता पार्टी को तो एक आंख से ही देखना चाहिए सबको, चाहे विधायक किसी पार्टी का हो, उसको प्रदेश के लोगों का काम करना है, जो सरकार बनती है उसको प्रदेश के लोगों का काम करना है। हाँसी में लगता है कि काम हुए हैं आपके सामने? जितने काम हुए हैं वो काम आप हमारे वक्त में, जब मैं मंत्री था उस वक्त तो माइलस्टोन मैंने स्थापित किए थे, और आज के दिन जो हालात है वो आपको पता है। आप लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे, और लोकल बॉडी यहाँ की जो है नगर परिषद उसको काम करवाने, आप कैसे करवाते थे और अब कैसे हो रहे हैं? दिल के अंदर उमंग होनी चाहिए, काम का जज्बा होना चाहिए, और ईमानदारी का भी सबूत होना चाहिए। हाँसी की रिक्वायरमेंट किन किन कामों के बताया जा रही है? आपको लगता है कि पानी की निकासी है सबसे ज़्यादा? तो थोड़ी सी बूंद होने के बाद पानी निकल नहीं पाता। सीवरेज की व्यवस्था, बनवारी लाल जी मंत्री हैं, उनका आपके अखबारों में मैंने पढ़ा है कि मैं हाँसी के पब्लिक हेल्थ वालों को तो मैं मतलब इतना कहाँ भेज दूँ पता नहीं। जब एक मंत्री अपने महकमे के बारे में इस प्रकार की सोच रखता है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो
झांसी में विकास के आप बाय द वे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करता हूँ, बाय द वे आप विधायक बनते हैं कांग्रेस के, अगर बाय द वे कांग्रेस सरकार में गए, ये तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए अगर सिर्फ विधायक तक रहते हैं तो लोगों की आवाज़ उठाने वाली बात होगी और कोशिश करके काम करवाने की बात होगी, अगर सरकार बन जाती है तो फिर काम करवाएंगे, फिर तो आदेश दे के काम होंगे, आदेश दे के काम स्वाभाविक है, लोगों के काम करवाने हैं, कोई व्यक्तिगत काम नहीं, लोगों के काम करवाने हैं, पहले आदेश से ही काम करवाएं। आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा पशुओं को मुक्त करवाने का काम किया, क्यों किया? चौटाला साहब ने सरकार के रूप में बता दिया जब आप लोग जी हाँ व्यक्तिगत काम में आप विश्वास कम रखते हैं? व्यक्तिगत भी काम होंगे, जैसे सामाजिक काम होंगे तो व्यक्तिगत ही काम होंगे समाज के। समाज और क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ ठीक? कांग्रेस पार्टी की अब माननीय शैलजा जी को जो जिम्मेवारी सौंपी गई है और हुड्डा साहब को ये आपके क्या कहते हैं विधायक दल का नेता बनाया गया है विधानसभा में और वो सारे चुनाव रहे हैं, चुनाव प्रबंधन का राजनीतिक अध्यक्ष बनाया है, तो अब लोगों का जुड़ाव उनके साथ होने लगा है। कांग्रेस में गुटबंदी नहीं है? अब कहीं गुटबंदी नजर आ ही नहीं रही। अशोक तंवर जी मुख्य धारा में है? मुख्य धारा में है अशोक तंवर जी ने और रणदीप जी ने शायद चुनाव लड़ने से, शैलजा जी ने हरियाणा का चुनाव लड़ने से मना कर। ये थे सुभाष गोयल जी जिनका दिल आज भी हांसी के विकास के लिए धड़कता है। ये लोकल बॉडी मिनिस्टर भी रहे और कहा कि जब मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर था तो मैंने यानी कि शहर को आवारा पशुओं से मुक्त भी कराया, अब कह रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा तो विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, मंत्री बनूंगा तो आदेश देकर काम करवाऊँगा, ये बड़े खौफों है अपनी टिकट के लिए। हालाँकि कह रहे हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई डील नहीं हुई, लेकिन टिकट शायद मुझे ही मिले और पूरे जोश खरोश से चुनाव होगा। स्वागत मोहन जी, आप हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपने नई पार्टी और नई पारी खेलने का आगाज़ किया, कांग्रेस में आप कुशल रहें और आपका भविष्य भी उज्ज्वल रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। हांसी की आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसने आपको बहुत मोहब्बत दी है, स्नेह दिया है, प्यार दिया है और आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है ताकि हम नई ऊर्जा के साथ, नए सर्जन के साथ एक नया कार्यक्रम आपके सामने लेके आए और ऐसी ही शख्सियत को आपके सामने, राजनीतिक शख्सियत को आपके सामने पेश करें, क्योंकि राजनीतिक माहौल है पूरे प्रदेश में, चुनाव आचार संहिता कल ही लग जाएगी 20 अक्टूबर को। जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी सहयोगी एडिटर हैं अजय सैनिक, आप अक्सर बताते रहते हैं मनसब जी, चुनाव 20 अक्टूबर के आसपास होगा और आचार संहिता लगेगी। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय सैनिक के साथ फिर मिलता हूँ एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए कीजिए इंतजार। राजनीतिक सरकार का नमस्कार, धन्यवाद।